Hello everyone. Now in today's class of SST we are going to read our chapter 3 of geography and title is rotation and revolution, ghurnan and parichakran. What are the rotation and revolution here we will know in this chapter. Let's start introduction. Have you ever wondered what causes day and night? क्या कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि दिन और रात कैसे बनते हैं? And why weather conditions keep changing all the time? और मौसम संबंधी जो स्थितियाँ होती हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं. Why are polar region always very cold? क्यों जो polar region होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं? And equatorial region जो होते हैं वो इक्वेटर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो हमेशा गर्म होते हैं. द एक्सट्रीमिटीज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. ये जो विशिष्ट कंडीशन होती हैं क्लाइमेट्स की, ये किसके कारण होती हैं? ये पृथ्वी की मूवमेंट्स गति के कारण क्रिएट होती हैं. वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था सोलर सिस्टम के मूवमेंट्स के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. हम इस चैप्टर में बात करेंगे टू मूवमेंट्स की, जो पृथ्वी के टू मूवमेंट्स होते हैं, गतियाँ होती हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट देयर कॉजेज एंड इफेक्ट एंड वी विल नो अबाउट देयर कॉजेज एंड इफेक्ट ऑल्सो. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. जो हमारी पृथ्वी है, स्पिन घूमना, हमारी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, जिस स्थान पर वो प्लेस्ड है उसी स्थान पर घूमती है. एंड वाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, और जब वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है एक काल्पनिक पाथ पर, एक इमेजिनरी मार्ग पर. द मोशन विच इन्वॉल्व वन कंप्लीट स्पिन ऑन द अर्थ इन इट्स एक्सेस इज 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन. मीन्स जब पृथ्वी अपने ही स्थान पर, अपने ही अक्ष पर मूवमेंट करती रहती है और उसको उस स्पिन में उसको 24 आवर्स का समय लगता है, उस गति को हम रोटेशन मीन्स घूर्णन कहते हैं. द मोशन ऑफ द अर्थ विच इन्वॉल्व वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन एंड व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट्स नोन एज रिवोल्यूशन परिचक्रण. टुगेदर दीज टू मोमेंट्स, और ये दोनों मोमेंट जब एक साथ रन होते हैं तब हम इसको, ये अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को एंड वेदर को, और इसी के कारण हमें अलग अलग तरह के मौसम अपनी अर्थ पर देखने को मिलते हैं. नाउ वी विल नो अबाउट रोटेशन. रोटेशन घूर्णन. द सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का जो सर्कुलर मोशन होता है, एक गति होती है अपने ही अक्ष पर, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, उसको हम रोटेशन कहते हैं. आपने बच्चों टॉप देखा होगा, टॉप लट्टू जिसको हम कहते हैं. जो लट्टू होता है वो क्या होता है, अपने ही अक्ष पर मूव करता रहता है. जब आप उसको मूवमेंट देते हो वह अपने अक्ष पर मूव करता रहता है विद द स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर्स. इसी तरह से हमारी अर्थ भी अपने ही अक्ष पर, जहाँ पर वो प्लेस्ड है वहीं पर मूवमेंट करती रहती है, और इस मूवमेंट में उसको 24 आवर्स का समय लगता है. विच मेक्स फॉर ए सिंगल डे एंड नाइट. इस तरह से दिन और रात का निर्माण होता है, एक दिन कंप्लीट होता है डे और नाइट के रूप में. इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन. रोटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या प्रभाव होता है. एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, द पार्ट विच फेसेस द सन, तो वह हिस्सा जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर सूरज की किरणों को एक्सपीरियंस करता है, वहाँ पर डे लाइट होती है. वाइल द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन, लेकिन वह हिस्सा जो सूरज से दूर होता है उस पर रात होती है. वी कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट, इट्स दिस इज सन हियर एंड दिस इज अवर अर्थ. व्हेन द सन्स रेज फॉल ऑन द दिस पार्ट, इट विस will experience the day and the back side of the earth which is away from the sun's rose rays that will experience night.
द शेडो फॉल्स इन सच ए वे, इस तरह से जो परछाई पड़ती है, ए लाइन सीम्स टू सेपरेट डे फ्रॉम द नाइट इज नॉन एट लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। यह लाइन जो हमें दोनों दिनों को, दोनों पोर्शंस को, मीन्स डे और नाइट को सेपरेट बताती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। इस लाइन को नाम दिया जाता है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। सिंस द अर्थ रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा? इस डायरेक्शन में, मीन्स दिस डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। जब हमारी अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब हमें पता है जो सूरज है वो किस डायरेक्शन में राइज होता है? ईस्ट में, एंड सेट्स इन द वेस्ट। द लेंथ ऑफ द डे इज मेजर्ड फ्रॉम द सन राइज टू सनसेट। तो दिन की लेंथ कितनी होगी वो किस रूप में मेजर करेंगे हम? किस समय से सन राइज हुआ है और किस समय सनसेट हुआ है? द गैप बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? डे लेंथ। इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम डे लेंथ के रूप में मेजर करेंगे। एंड द टाइम बिटवीन द सनसेट एंड द सनराइज इज मेजर्ड एज नाइट लेंथ। इसको हम नाइट लेंथ के रूप में मेजर करेंगे। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉज द सन रेज फॉल इन द डिफरेंट एंगल। टिल्ट, टिल्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? झुकना। हमने ये तो जान लिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, बट अवर अर्थ ऑल्सो टिल्ट, हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट होती है सूरज की ओर, और ये एक एंगल बनाती है 23 डिग्री हाफ का। 23 डिग्री हाफ एंगल पर यह झुकती है। व्हेन द सन शाइंस डायरेक्टली ओवर हेड इट्स रेज आर परपेंडिकुलर एट द प्लेस। जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, मीन्स यहाँ पर, वह प्लेस जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, ओवर हेड होती हैं, और कुछ प्लेस ऐसा होगा जिस पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी, स्लैंटेड पड़ेंगी, तो क्या होगा? यहाँ पर तेज किरणें पड़ रही हैं, इस कारण से यहाँ पर सनरेज अधिक होंगी, एक्सपीरियंस करेंगी, यहाँ पर डे होगा। लेकिन जहाँ पर सूरज की किरणें परपेंडिकुलर मीन्स तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर हमें क्या होगा? मिड डे, मिडिल पोर्शन पर हम मिड डे को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड यहाँ पर हम डे का जो गैप होता है वो हमें एक्सपीरियंस होता है, मीन्स सूरज निकलने के बाद का समय हो गया जब सूरज की किरणें तीव्र नहीं होती, एंड सनसेट के आसपास का समय हो गया जब सूरज की किरणें ढलना शुरू हो जाती हैं। जब मिड डे होता है मीन्स तेज़ किरणें पड़ती हैं हमारी अर्थ पर, उसको हम नून के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फ्रॉम दिस पोजिशन ओवर हेड द रेज ऑफ द सन बिगिन्स टू गेट स्लैंटेड। जब सूरज की किरणें बिल्कुल हमारे सर पर होती हैं, ओवर हेड होती हैं, उसको नून कहते हैं, और जब ये स्लैंटेड होना शुरू हो जाती हैं तब हम इवनिंग आवर्स को और मॉर्निंग आवर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जस्ट एज द लास्ट रेज ऑफ द सन फेड अवे बिलो द हॉरिजन देयर इज द डस्क, मीन्स संध्या काल। जब लास्ट रे होती है सूरज की और बिल्कुल सन सेट होने वाला होता है, तब हम इसको डस्क टाइम कहते हैं, मीन्स संध्या काल हम इसको कहते हैं, एंड उसके बाद हम नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं, अंधेरे का शुरुआत वहाँ से होने लगती है। एज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन बिगिन, लेकिन जब सूरज की फर्स्ट किरण हम एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स सनराइज होता है और फर्स्ट रे हमारी अर्थ पर पड़ती है, उसको हम प्रातःकाल कहते हैं। एज द सन राइजेज अबोव द हॉरिजॉन इट ब्रिंग्स रेज ब्रिंग्स इन द मॉर्निंग्स एंड डार्कनेस इन द वैनिशेज, मीन्स जब सूरज की किरणें सनराइज के बाद फैलना शुरू होती है तब हम मॉर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब नून के बाद सूरज की किरणें जो होती हैं वो घटना शुरू होती हैं तब हम उसको संध्या काल के रूप में और डार्कनेस के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। इफ द एक्सिस वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अर्थ
all parts of the globe would have experienced equal length in the day and night. लेकिन जब हमारी अर्थ है उस पर एक्सपीरियंस करती है इक्वल डे एंड नाइट, जब हमारी अर्थ पर प्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस पर मूव करती है और ग्लोब पर, ग्लोब का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इक्वल डे और इक्वल नाइट को एक्सपीरियंस करेगा थ्रू आउट द ईयर. सिंस द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, जब हमारी अर्थ अपने अक्ष पर झुकती है, इट कॉजेज वेराइंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट. अर्थ के झुकने के कारण हमारी अर्थ पर डे और लेंथ की जो डिफरेंसेस होती हैं वो अलग अलग पाई जाती है. मींस डे और नाइट हम इक्वल महसूस नहीं करते और उस कंडीशन में डिफरेंट सीजन्स का निर्माण होता है. यहाँ पर डायग्राम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं द प्लेन ऑफ द अर्थ इज ऑर्बिट. यहाँ पर हमने मेज़र किया, ये आपका टिल्टेशन हो रहा है, 23 डिग्री एक्स पर हमारी अर्थ टिल्ट हो रही है और इक्वेटर ये हमारा इक्वल पार्ट डिवाइड करता है हमारी अर्थ का, 0 डिग्री से हम इसको मेंशन करते हैं. तो यहाँ पर हम अलग अलग प्लेस पर अलग अलग सीजन्स को ऑब्जर्व करते हैं. कैसे ये सीजन्स बनते हैं? इन समर डेज आर लॉन्ग, समर्स में डेज लंबी होती हैं एंड नाइट्स आर शॉर्ट्स. बट इन विंटर अप्रोचेज डेज बिगिन गेट शॉर्टर्स, लेकिन जब विंटर की शुरुआत होती है तो क्या होता है, दिन छोटे होने लगते हैं और रात बड़ी होने लगती है. इफ़ द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड द सन, जब साउथर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है सन की ओर. बच्चों यहाँ पर हमने देखा ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर हमारी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा नॉर्थ पोल से और इक्वेटर के बीच का एरिया, एंड साउथ पोल से इक्वेटर के बीच का एरिया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर के रूप में जाना जाएगा. जब हमारी अर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर पर झुकती है तब क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर पर झुकने के कारण इट विल एक्सपीरियंस शॉर्टर नाइट्स एंड लॉन्गर डेज, मीन्स छोटी रात होती हैं और लंबे दिन होते हैं, मीन्स समर सीजन की शुरुआत होती है. प्लेसेस इन द इक्वेटोरियल रीजन, और इक्वेटर ये वाला जो एरिया होता है इसके आसपास के जितने भी प्लेसेस होंगे वो क्या करेंगे, इक्वेटर के आसपास के जितने भी रीजन होंगे हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. यहाँ पर इक्वल डेज होते हैं थ्रू आउट द ईयर्स एंड इक्वल नाइट्स होती हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं ऑल ईयर्स, ऑल राउंड ऑफ ईयर. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, चाहे आप नॉर्थर्न की ओर जाएं, चाहे आप साउथर्न की ओर जाएं, जब आप इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे तो क्या होगा, बिफोर मोर इसलैंड देयर बाय कोजिंग ग्रेटर वेरिएशन. यहाँ पर हमें सूरज की किरणों की स्लैंटेशंस के कारण वेरिएशन, वेरिएटी पाई जाती है डे और नाइट्स में. ड्यूरिंग मिड समर, मिड समर में द पोल्स हैव 24 आवर्स एट डे लाइट. जो पोल्स होते हैं, पोल्स एरिया मीन्स आपके जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, ये जो एरिया होता है आपका पोल्स का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का, यहाँ पर आपको 24 आवर्स क्या मिलेगा देखने को, क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप 24 आवर्स, ये विंटर डे लाइट, 24 आवर्स डे लाइट. एंड ड्यूरिंग मिड विंटर दे एक्सपीरियंस डार्कनेस, मीन्स समर में ये 24 आवर्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डे लाइट को एक्सपीरियंस करेंगे एंड मिड विंटर में 24 आवर्स डार्कनेस को एक्सपीरियंस करेंगे. द अर्थ रोटेशन ऑल्सो गिव्स इट्स जियॉड शेप. जियॉड शेप क्या होती है बच्चों, आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज क्या होता है, स्पैरिकल शेप होती है लेकिन दोनों पोल्स पर, मीन्स दोनों डायरेक्शंस में ये राउंडेड नहीं होता. सेम थिंग हमारी अर्थ की होती है, हमारी अर्थ भी दोनों पोल्स पर बिल्कुल राउंड नहीं होती है, इट एक्सपीरियंस जियॉड शेप. तो इसी को हम जियॉड शेप के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं. एंड बल्गिंग एट इक्वेटर एंड फ्लीटिंग एट द पोल्स, यह बल्गिंग करती है इक्वेटर पर एंड फ्लैटेड होती है पोल्स पर. द अर्थ स्पिन्स फास्टर एट इक्वेटर कोजिंग टू द स्प्रेड आउट मोर एरिया, जो हमारी अर्थ है वो स्पिन करती है इक्वेटर के एरियाज के पास, फास्ट गति से मूव करती है. रिवोल्यूशन, द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट ट्रेवल्स अलॉन्ग एन इमेजिनरी पाथ, हमारे सन के चारों ओर जब हमारी अर्थ मूवमेंट करती है एक इमेजिनरी पाथ पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम, उस प्रक्रिया को हम रिवोल्यूशन कहते हैं, चक्रीकरण कहते हैं.
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जो हमारी अर्थ है वो एक राउंड को, वन राउंड को कंप्लीट करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में. वन कैलेंडर ईयर हैज़ 365 डेज, मीन्स वन ईयर का जो कैलेंडर होता है आपका वो 365 डेज को एक्सपीरियंस करता है. एंड 6 आवर्स ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज एडिड टू मेक फुल डे. जब हम पूरे ईयर्स में 6 आवर्स को कैलकुलेट करते हैं तो ये एक डे का निर्माण करता है, और ये डे हमारा फरवरी में इंक्लूड किया जाता है एक्स्ट्रा डे के रूप में, और 4 ईयर्स में हम इसको एक्स्ट्रा डे के रूप में इंक्लूड करते हैं. इसी कारण से फरवरी में हम 29 डेज एक्सपीरियंस करते हैं इन ईच 4 ईयर्स, और उस ईयर में जिसमें हम 29 डेज इंक्लूड करेंगे फरवरी में, उसमें हमारे 366 डेज होते हैं और उसको लीप ईयर के रूप में काउंट किया जाता है. नाउ वी विल रीड अबाउट सीजन्स, मौसम कैसे बनते हैं. थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इट्स जर्नी अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, द अर्थ एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सीजन. हमारी पृथ्वी लगातार सीजन्स को एक्सपीरियंस करती है, चेंजेस इन सीजन्स एक्सपीरियंस करती है. द सीजन दैट वी एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर, वे मौसम जो हम पूरे साल में एक्सपीरियंस करते हैं उनका क्या कारण होता है, अर्थ की रिवोल्यूशन और अर्थ का अपने अक्ष पर झुकना, ये दोनों कारण होते हैं जिसके कारण सीजन बनते हैं. डायग्राम से भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पर हमारा सन है और हमारी पृथ्वी चारों ओर मूवमेंट करती है सूरज के चारों ओर. यहाँ पर हमारी अर्थ टिल्ट करती है 23 डिग्री एक्स पर, एंड जब हमारी अर्थ एक्स पर झुकती है तो सूरज की रेज जो पृथ्वी पर पड़ती हैं वहाँ पर क्या होगा, जो एरिया सूरज की डायरेक्ट रेज को एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पर समर होगी, बैक साइड आपका विंटर होगा, एंड द स्लैंटेड पोर्शन जहाँ पर सूरज की किरणें स्लैंटेड पड़ती हैं, एक एरिया ऑटम एंड बैक एरिया आपका स्प्रिंग को एक्सपीरियंस करता है. इस तरह से सीजन्स बनते हैं और 4 सीजन्स हम अपने अर्थ पर एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द ईयर्स. एज द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, जब सूरज के चारों ओर एक काल्पनिक पाथ पर हमारी पृथ्वी मूवमेंट करती है, द साइड लीनिंग टूवर्ड्स इट कीप चेंजिंग, तो जो हमारी अर्थ की साइड्स होती हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, क्योंकि सूरज की मूवमेंट है उसके कारण सन रेज हमारी अर्थ पर पड़ती हैं और हमारी अर्थ चारों ओर मूवमेंट करती है, तो जो मूवमेंट्स है वो चेंज होना शुरू करती हैं. When the northern hemisphere leans toward the sun, जब हमारा northern hemisphere lean झुकता है सूरज की ओर, it receives more light and heat, तो ये अधिक गर्मी और light को experience करेगा और यहाँ पर गर्मी होगी. During the same time, उसी समय पर southern hemisphere क्या face करेगा, tilt होगा और वहाँ पर कम गर्मी होगी और कम light होगी और उस कारण से opposite direction में हमें winter महसूस होगी. Means जब हम नॉर्थन पर समर एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें साउथन पर विंटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. द रिजल्ट ऑफ दिस दैट द नॉर्थन हेमिस्फीयर इंजॉय समर ड्यूरिंग द सेम पीरियड एंड साउथन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द विंटर. 6 मंथ के बाद फिर पोजिशन अर्थ की चेंज होगी और अपोजिट एक्सपीरियंस हम करेंगे. 6 मंथ के बाद अपोजिट में हमें साउथन पर क्या हमें एक्सपीरियंस होगा, समर, एंड विंटर हमें एक्सपीरियंस होगी नॉर्थन एरियाज पर. इस तरह से सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग सीजन्स सेम टाइम पीरियड में इन बोथ हेमिस्फीयर. सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्स, व्हाट इज ओवरहेड सन, ओवरहेड सन क्या होता है. व्हेन द सन रेज फॉल परपेंडिकुलरली ऑन द अर्थ सरफेस, जब हमारी अर्थ पर कुछ डायरेक्ट रेस हमारे सन की पड़ती हैं, इट टर्म्ड एज ओवरहेड सन, उसको हम ओवरहेड सन कहते हैं. एंड द सन इज ओवरहेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. हमने डायग्राम में देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर सन ओवरहेड पड़ता है, जब सन ओवरहेड पड़ेगा तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एरिया है. जब सन रेज यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है तो ओवरहेड सन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. इस कारण से ओवरहेड सन के कारण क्या होगा, क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस ए ईयर, यह हमारे इक्वेटर को क्रॉस करता है 2 बार ईयर्स में.
एज द अर्थ टिल्ट शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर, जब अर्थ का टिल्टेशन शिफ्ट होता है नॉर्थन डायरेक्शन से साउथर्न डायरेक्शन की ओर, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट, इस कोर्स के कारण इस समय काल में दो तरह के एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं, सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्स। अब ये दोनों टर्म क्या होती हैं? सोलस्टिस, द टर्म सोलस्टिस ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, यह है लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड, मीनिंग है विच मीन्स सन, एंड सिस्ट्रे विच मीन्स टू स्टैंड स्टिल, जहाँ पर सन स्टिल रहता है। द समर सोलस्टिस ऑक्यूर अराउंड, हमारा जो समर सोलस्टिस होता है वो 21 जून पर हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है लॉन्गेस्ट डे, मीन्स पूरे ईयर का सबसे बड़ा दिन। एंड ऑन दिस डे द सन ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो यहाँ पर ओवरहेड पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ऑन द सेम डे और उसी दिन साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोलस्टिस, उसी कंडीशन में हमारा जो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा वो एक्सपीरियंस करेगा विंटर सोलस्टिस को, और शॉर्टेस्ट डे यहाँ पर ईयर का माना जाएगा। सिक्स मंथ के बाद दिसंबर 22 द सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूरज किस पर ओवरहेड करेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ओवरहेड करेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा समर को, समर सोलस्टिस को, एंड दिस डे इज लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर, वाइल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। मीन्स सिक्स मंथ्स पर दोनों चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट डे ऑन बोथ हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर पर ये महसूस की जाती हैं आफ्टर ईच सिक्स मंथ्स। इक्विनॉक्स, द टर्म इक्विनॉक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स इक्विनॉक्स, इक्विन का मीनिंग होता है इक्वल नॉक्स, नॉक्स मीन्स नाइट, जब इक्वल डे होती हैं एंड इक्वल नाइट होती हैं उस टर्म को इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। एंड इक्विनॉक्स ऑक्यूर्स व्हेन द सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर, जब हमारा सन ओवरहेड होता है इक्वेटर पर, वर्टिकल रेज एक्सपीरियंस करता है, तब हम क्या करते हैं? तब हमें इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट हमारे इक्वेटर पर बनती हैं। यहाँ पर आपने देखा ये स्लैंटेड रेज पड़ रही हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब ओवरहेड होगा तब हमारा समर सोलस्टिस और विंटर सोलस्टिस चेंज होते हैं। एंड इक्विनॉक्स ऑक्यूर्स व्हेन द सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर, ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, इक्विनॉक्स पर डेज एंड नाइट इक्वल होती हैं, और ये भी हमें दो बार एक्सपीरियंस करने को मिलता है पूरे ईयर्स में, मार्च 20 एंड 22 सितंबर। स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स ऑक्यूर अराउंड मार्च 21 इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, लगभग 21 मार्च के आसपास नॉर्थन हेमिस्फीयर पर हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स महसूस करते हैं, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, जब से स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऑन दिस डे सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सन रेज डायरेक्ट हमारे इक्वेटर पर पड़ती हैं, देयर इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस समय पर हमारे पूरे वर्ल्ड में इक्वल डेज होती हैं और इक्वल नाइट महसूस की जाती हैं। द स्प्रिंग सीजन इज फॉलोड बाई समर, स्प्रिंग सीजन ख़त्म होने के बाद समर की शुरुआत होती है। एट द टाइम द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटम, उस समय पर साउथर्न हेमिस्फीयर पतझड़ सीजन को एक्सपीरियंस करता है, ऑटम इक्विनॉक्स को एक्सपीरियंस करता है, और जब हमारे नॉर्थर्न सीजन पर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर समर की शुरुआत होती है, तब हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर पर विंटर की शुरुआत होगी। ऑटम इक्विनॉक्स ऑक्यूर्स अराउंड 23 सितंबर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड फॉलोड बाय विंटर सीजन, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर 23 सितंबर में ऑटम इक्विनॉक्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा, तब वहाँ पर विंटर सीजन की शुरुआत होती है, और उसी समय काल में हम साउथर्न हेमिस्फीयर पर एक्सपीरियंस करेंगे समर सीजन को। मीन्स एक समय काल पर, एक सेम पीरियड पर हम नॉर्थर्न में दोनों सीजन महसूस करेंगे, नॉर्थर्न में समर होगी तब साउथर्न में विंटर होगी, एंड जब वैन वी एक्सपीरियंस विंटर इन साउथर्न वी एक्सपीरियंस समर इन नॉर्थर्न। यहाँ पर डायग्राम को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑल थिंग्स को, कैसे डेट और टाइम यहाँ पर एक्सपीरियंस होती है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड हियर। कॉन्सेप्ट मैपिंग हमें बताती है हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या रीड किया है,
we can read them in short way also with the help of this concept mapping. Concept mapping के थ्रू हम इसको जान सकते हैं. बुक वर्क एंड नोट बुक वर्क वी विल डिस्कस इन क्लास. सो कम्प्लीट रीडिंग चैप्टर की हो चुकी है. यू विल रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी केयरफुली. टिल देन थैंक यू.